हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से लगभग 2600 के आसपास भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस पे आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इस भर्ती के बारे में डिटेल दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग वेट भी कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म इसके चल भी रहे हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इस पे जो आपका एग्जाम होगा वो आप घर बैठे दे सकते हो अपने फोन से ही, कोई दिक्कत नहीं। कितनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था दोस्तों की गई है ताकि आपको जॉब आसानी से मिल सके। तो मैं इस भर्ती के बारे में आज डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में रोइएगा, फिर हमको मत कहिएगा कि मनोज सर ने पूरा डिटेल नहीं बताया, ठीक है। अच्छा देखिए, कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि भैया नौकरी भी ले जाओ, सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है, प्लस घर बैठे आप एग्जाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उसमें एक लोग पेपर करो चाहे 10 लोग पेपर करो। अच्छा, कभी इससे पहले आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल रियल आपको बता रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ कि वीडियो स्किप करके बीच में मत जाना। चलो पहले मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद इस भर्ती का पूरा पोस्टमार्टम मैं करने वाला हूं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको बिल्कुल वीडियो पे बने रहना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपनी राय जरूर देना है, कमेंट में मेंशन करना है आपको, ठीक है, कि आपका क्या कहना है। तो चलिए फटाफट पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे, गौशाला संवर्धन कार्यक्रम भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड आवश्यकता, यहाँ पे विज्ञापन संख्या डाला गया है BPNL, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है, लेकिन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म बनने से पहले आपको इसके बारे में विधिवत जानना होगा, क्या ये भर्ती रियल है या फेक है, ठीक। देखिए, देश की सभी स्थापित गौशालाओं व गौवंश पालित डेयरियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने व गौ सेवा के उद्देश्य निगम द्वारा गौशाला संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। गौशाला संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय पशुपालन निगम के माध्यम से राज्य की गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने व आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहयोगी गौशाला दर्शन पोर्टल पर गौशालाओं को जोड़कर प्रत्येक गौशाला को आर्थिक मदद करवाने, गौ उत्पादन से निर्मित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करने, गौशालाओं को उच्च गुणवत्ता वाले फीड सप्लीमेंट बिक्री करने आदि कार्यों के क्रियान्वयन के लिए अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करने के इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के इनका कहना ये है कि जो गौशाला बनाए गए हैं तो गायों को बढ़ावा देने के लिए और उनका देख रेख करने के लिए, उनसे जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं उनको यहाँ पे बिक्री करने के लिए, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किया भर्ती के बारे में। आप देख लेते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए गौ संवर्धन विस्तारक पद का नाम है, संख्या यहाँ पे 225 है, एज 25 से 45 साल के बीच में, आवेदन शुल्क ध्यान से देखिए आप फॉर्म भरने की, 944 रुपया, सैलरी आपको कितना देंगे 26,000 रुपया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे गौ संवर्धन सहायक 675 पद है, आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच में, 826 रुपया यहाँ पे दोस्तों फॉर्म फीस लगने वाली, इस पर आपको 23,000 ये लोग सैलरी देंगे, ठीक। फिर देखिए तीसरे नंबर पर गौ सेवक की भर्ती है, 1350 पद हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एज 18 से 40 साल के बीच में, 708 रुपये आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, 18,000 सैलरी देंगे। ये तो दोस्तों आपकी बात हो गई पद की, सैलरी की और एज की। चलिए नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पे देखिए आयु सीमा की गणना कब से आपको करना है, जिस डेट से ये आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक। अब नीचे की तरफ बात करें, भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% GST शामिल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। तो इन्होंने भाई मेंशन किया चाहे SC हो, ST हो, OBC कोई भी हो, सभी के लिए यहाँ पे दोस्तों शुल्क सेम लगने वाली है। आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय अर्थात वापसी देय नहीं होगा, चाहे आप जो कर डालो, ठीक। चलिए ये तो जनरल बातें हो गई दोस्तों, नीचे आना है। यहाँ पे देखिए निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा, ये 2 साल के बाद। और ये कब इसलिए दिया जाएगा क्योंकि 2 साल जब आप टिकोगे तभी तो दिया जाएगा, पहले पूरी बात समझ लीजिएगा मेरी, ठीक है, सब कुछ विद प्रूफ समझाऊंगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से इसमें स्नातक इन्होंने मांगा, ठीक है। ये गौ संवर्धन विस्तारक के लिए, गौ संवर्धन सहायक के लिए 12वीं पास इन्होंने मांगा, ठीक। नीचे आना है, गौ सेवा भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं। अब देखिए सभी को लपेटे में इन्होंने लिया है,
हाई स्कूल वालों को, इंटर वालों को और ग्रेजुएशन वालों को। दोस्तों मैं बता दूं कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है अपने भारत देश के अंदर, और इसका जो फ़ायदा है वो इसी तरह की फ्रॉड कंपनियां ले रही हैं। अब बताइए, आपको लगता है कि आप 25-26 हज़ार मिलेगा, मेरा काम चल जाएगा किसी तरह, और आपने फॉर्म भर दिया, 1,000 रुपये आपको मोटा मोटा मानिए फॉर्म भरने का चार्ज रखे हैं, ठीक है। आगे बताऊँगा और नीचे थोड़ा सा चलेंगे, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ उपर्युक्त में इन्होंने क्या लिखा है विशेष में, उपर्युक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, उम्मीदवार द्वारा चयनित किए गए क्षेत्र में ही कार्य का अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि जहां आप जो है कार्य करना चाहें जिस क्षेत्र में वहीं आपको काम मिलेगा। ये भी बहुत बढ़िया व्यवस्था इनके द्वारा की गई है, मतलब घर बैठे ही आप नौकरी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नीचे आना है, और नीचे आना है, अधिकार वगैरह कर्तव्य वगैरह हमको नहीं समझना है, आपके लाभ, चलिए लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लक्ष्यानुसार आपका मासिक 26,000 रुपये देय होगा और प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति 3,000 है, वाहन भत्ता ही आपको अलग से दिया जाएगा भाई साहब, तो मान के चलिए को 29,000 रुपये सैलरी आपकी हो गई, ठीक है। चलिए देखिए सैलरी भी अभी आपकी क्या है, बढ़ती जा रही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और नीचे आना है, ये जनरल चीज़ें, ठीक है। और नीचे आना है, और नीचे आना है, आवेदन प्रक्रिया आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ये, ठीक है। ये .com ये इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दोस्तों बना रखी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए नीचे आना है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं अंतिम तिथि की, फॉर्म आप कब तक भरोगे, तो दोस्तों 5 अगस्त 2024 रात्रि 12 बजे तक आप भरोगे, ठीक है। ये भी बढ़िया व्यवस्था की है। अब देखिए चयन प्रक्रिया, अब चयन प्रक्रिया में सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त जितने भी आवेदन हैं उनकी यहाँ पर दोस्तों जाँच की जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो भर्ती है वो किस प्रकार से होगी, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ आ गए खटाक से, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कैसे होगी भर्ती, ठीक। यहाँ पे देखिए पदनाम गौ संवर्धन विस्तारक का 50 अंक, साक्षात्कार 50 अंक, टोटल 100 अंक। गौ संवर्धन सहायक का 50 अंक लिखित में, 50 अंक इंटरव्यू में, 100 अंक। गौ सेवक का 50 अंक की लिखित परीक्षा, 50 अंक का साक्षात्कार, 100 अंक, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। ये भी आप समझ लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी संस्था में संलग्न आवेदक इसको ध्यानपूर्वक पढ़े व उसी अनुसार अपनी तैयारी भी करें, ठीक है। चलिए नीचे आना है, ये जनरल चीज़ें हैं, नीचे आना है परीक्षा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पूरा खेल यहीं पर है। देखिए परीक्षा का स्थान, निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी, बहुत बढ़िया। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर, ध्यान से देखिए, सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप व मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं, चाहे घर में हो, चाहे बस में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे होटल में हो, चाहे जहां भी हो भैया, इसका एग्ज़ाम आप कहीं से भी देख सकते हो। कितनी बढ़िया व्यवस्था की है इन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं, इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र नहीं जारी किया जाएगा, कोई फंसने का काम निगम नहीं करेगा, ठीक है। इन्होंने सीधा मेंशन किया है, ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदक को एक लिंक उनकी रजिस्टर ईमेल पर भेजा जाएगा, अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई, ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक लिंक आपको मेल पर भेजेंगे और उसी पर एग्ज़ाम करा लेंगे, और जैसे एग्ज़ाम खत्म लिंक गायब, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। चलिए नीचे आना है, यहाँ पर देखिए इन्होंने ये जो इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन निकाला है, इस पर पूरी तरह से मैं बता दूं कि ये भर्ती आपकी क्या है, फर्जी है, फेक है। अभी देखें यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का भी इन्होंने लिंक लगा रखा है, क्या बढ़िया व्यवस्था की, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, तो हम क्लिक करेंगे, आप देखिएगा इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन के लिए इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरी वेबसाइट बना रखी, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, और ये अप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये फेक है या रियल है, मतलब इतने बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी बंदा आसानी से फंस सकता है, और ये वही कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 1,000 रुपये ये एक फॉर्म भरने का चार्ज ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत से बंदे इस वीडियो को वो वाले देख रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आप समझ लीजिए कि आप एकदम बेवकूफ़ बन चुके हैं, आपको जो है चूना 1,000 का लगाया जा चुका है। आप ध्यान समझिएगा इनकी गणित, मान लीजिए इसमें 10,000 फॉर्म पड़ते हैं, मैं कम से कम बता रहा हूँ, और इनकी जो फीस मोटा मोटा मान लेते हैं कि 1,000 रुपये है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो जब आप 1,000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप 1,000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो,
तो आप इस जो 10,000 है इसमें 3 जीरो बढ़ा दीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप काउंट करिए कि 10,000 अगर आप फॉर्म पढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना पैसा होता, ध्यान समझिएगा, देखिएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ठीक है, और लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि सीधा सीधा 1 करोड़ का गेम कर देते हैं ये, कितने फॉर्म में, 10,000 अगर फॉर्म पड़ जाता है 10,000, तो 1 करोड़ का गेम ये लोग कर जाते हैं, और इस पर आपको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, आप 1,000 अपना जो है वो गंवा देते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। और ये वैकेंसी हर 6 महीने में रिपीट हो रही है, ध्यान समझिए, हर 6 महीने में रिपीट होगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप लोग इस भर्ती की जो डेट है वो नोट डाउन करके रख लीजिए, और वीडियो भी मेरा सेव करके रख लीजिए, अगले 6 महीने में भर्ती 100% रिपीट करेंगे। तो लगभग एक बार में 6 महीने के अंदर 2 से 2.5 करोड़ का खेल हो जाता है, और वो खेल आप ही लोगों से किया जाता है, जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन्हीं लोगों से किया जाता है। क्योंकि देखिए इसमें कारण है, जो बेरोजगार होता है वो सोचता है मुझे कहीं भी जॉब मिल जाए, और इसका फ़ायदा सीधा सीधा कौन लेता है, ये कंपनी वाले लेते हैं, ठीक है। तो इस भर्ती के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी है, भर्ती पूरी तरह से फर्जी है, कोई भी इस पर अप्लाई ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यारों तक शेयर कर लें, स्टेटस लगा दें ताकि सभी इसको देख पाएँ और समझ पाएँ, और इस भर्ती पर कभी भी गलती से मैं भी इस पर अप्लाई ना करें, पूरी तरह से आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको अपडेट दे दी है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की भर्ती सही है या फेक है, तो 100% ये आपकी फेक है, ठीक है। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई ऐसा बंदा जो इस भर्ती से जो है जॉब कर रहा हो तो वो भी मुझे कमेंट जरूर करे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों शेयर कर दें ताकि इस पर कोई भी हमारे दोस्त भाई बहन ना फंसे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर ले ताकि घर बैठे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और ऑथेंटिक चैनल ही फॉलो करें। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल है जो फर्जी इस जो है एडवर्टीजमेंट को चला रहे हैं और सही भर्ती बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करें, ऐसे जो भाई यूट्यूबर हैं जो सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी बना के डाल दे रहे हैं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, आप लोग ऐसा ना करें। और आप लोगों की वजह से ही जो ऑथेंटिक वैकेंसी बताते हैं वो लोग भी यहाँ पे बदनाम हो रहे हैं। तो मेरा अगर कोई यूट्यूबर भाई ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है और उसने इस तरह की भर्ती का नोटिफिकेशन बताया था, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ऑथेंटिक जानकारी ही दें ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसको जो है ट्रस्ट रहे कि यूट्यूब पर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो ऑथेंटिक हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो उसका क्या ही किया जा सकता है। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, जितने भी भाई बहन मेरे देख रहे हैं आप लोग ऑथेंटिक चैनल ही फॉलो करें, वैसे भी हमारे चैनल पे आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करेंगे, जय हिंद, जय भारत।